हूँ शैलेश। दोस्तों आज बात करेंगे स्त्री 2 फिल्म की रिव्यू की पार्ट 2। दोस्तों आप सबको पता होगा स्त्री 1 जबरदस्त हिट गई है, 500 करोड़ के ऊपर उसके बिजनेस हो गया है, और भी भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे आगे की पहलू के बारे में। सुनने में ऐसा आया है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार विलन बन सकते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अक्षय कुमार विलन ना बने, वो छोटे रोल में अच्छा लगता है, बड़े रोल में अगर बॉबी देओल हो तो मज़ा आ जाए। और दूसरी बात, इसमें हमें पता चलेगा कि श्रद्धा कपूर का असली नाम क्या है, और हो सकता है कि उसकी शादी भी हो जाए राजकुमार राव के साथ। अगर नहीं भी होती है तो फिर हो सकता है कि श्रद्धा कपूर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे ताकि वो लड़ सके। तो इन शॉर्ट दोनों ही लड़ेंगे सुपर पावर के साथ, जो भी राक्षस होगा, जो भी विलन होगा। तो लेकिन ये तो भगवान से एक दुआ करते हैं कि अक्षय कुमार विलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अक्षय की कोई फिल्म चल नहीं रही है तो उसमें वो मज़ा भी नहीं आएगा, बहुत फनी लगता है। अभी जो गेटअप किया था अक्षय कुमार का वो बहुत ही फनी था, तो वो राक्षस बनेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमने रजनीकांत फिल्म में भी देख लिया था उसको, जब विलन बना था वो तो सूट नहीं करता, उसको एक्शन फिल्म करनी चाहिए, लेकिन ये भूत में हॉरर में वो बिल्कुल सूट नहीं करता है। और भी आगे बहुत सारे सरप्राइज हैं, लेकिन यही दुआ करेंगे कि इसमें बॉबी देओल हो या फिर कोई और विलन हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद।